हमारे पास वसाइल की कमी है आप कह सकते हैं, हुकूमत की अनस्टेबिलिटी की वजह। हाँ, ये सबसे मेन वजह तो यही है ना, अनस्टेबिलिटी है। जितनी देर हम लोग स्टेबल नहीं होंगे, माशी तौर पर स्टेबल नहीं होंगे। बेसिकली मैडम हमारे पास टेक्नोलॉजी की मेरा कमी है और उसके बाद रिसोर्सेज की भी कमी है, इसलिए हम खुद तो बना नहीं सकते। तो अगर हमें दुनिया को कम्पीट करना है तो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। हम लोग वीज़ाज रिजेक्ट हो रहे हैं काफ़ी सारे हमारे मुल्क के, ठीक है, इसी वजह से रिजेक्शन आ रही है कि आप लोग जो है, हम लोग जो है इन चीज़ों से ही नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मती। नाज़रीन, इंडिया जो है फ्रांस से एक हफ़्ते में जो है, अगले एक हफ़्ते में जो है 24 से 30 बैरी जंगी जहाज़ के मुआहदे पर दस्तखत करने जा रहा है। ये बड़ी अमेजिंग बात है। पहले उन्होंने US से जो है ड्रोन्स का इस तरह से बातचीत की और उससे लिया, उस पर सेल्फ डिपेंड हुआ। अब बैरी जहाज़ की इस तरह के मुआहदे और किस तरह से ये दोनों के लिए बेनिफिट है, इसी टॉपिक पर आज हम बातचीत करेंगे। आइए आवाम की तरफ चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। ज़ाहिर है हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, तो मतलब एक तो हमारे अपने कोई इस तरह के जदीद नहीं है कि बना सकें अपनी जंगी जहाज़, इस वजह से हमें दूसरों से लेने तो पड़ते हैं। टेक्नोलॉजी की कमी है हमारे पास, तो बेसिकली वो फिर मामलात हैं, वो सुपर पावर है, वो अपनी मर्ज़ी से देते हैं चीज़ें हमें, तो इस वजह से मतलब उन्होंने नहीं दिया। हालांकि हमारे पास ज़ाहिर है देखें इतना ग्वादर पोर्ट है या दूसरे, ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है हमारे अपने बहरी जहाज़ों, क्योंकि मतलब बिज़नेस हो रहा है वहाँ पे। आने वाले वक्त में मतलब सी पैक की बड़ी मतलब वैल्यू है, अभी बहुत वैल्यू है, तो ज़ाहिर है उसकी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन एज सच हमारे पास ज़ाहिर है, पहले मैं बात कर चुका हूँ, टेक्नोलॉजी की कमी है और वर्कर नो डाउट हमारे पास वो कैपेबिलिटी तो ऑब्वियसली है हमारे पास। और दूसरी बात ये है कि मतलब इंटेलिजेंस वो भी हमारे पास बड़ी है, मैन पावर भी हमारे पास है, सिर्फ हमारे पास वसाइल की कमी है आप कह सकते हैं। हाँ, ये सबसे मेन वजह तो ये है ना, अनस्टेबिलिटी है। जितनी देर हम लोग स्टेबल नहीं होंगे, माशी तौर पर स्टेबल नहीं होंगे, हमारे सियासी मामला नहीं बेहतर होंगे, तो ये बड़ा मुश्किल है। देखें ना हमारे साथ हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, वो रोज़ बरोज़ नई से नई उनके पास आ रही हैं अपना इन्वेस्टमेंट्स, अमेरिका उन्हें दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उन्हें बनाने की चीज़ें, बस हमारी ये लैक ऑफ कह लें कि वो उसे क्या कहेंगे आप, लैक ऑफ डेवलपमेंट, या आप हुकूमत को भी कह सकते हैं। हाँ, कि वो नहीं उस तरह से जाती, ये बहुत बड़ा मतलब गैप है हमारे पास। अगर आपने बात की हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की भी बात की है, तो उन्होंने काफ़ी पहले जो है US से ड्रोन्स भी, ठीक है, कलेक्ट किए, क्योंकि वो चाह रहे हैं हम हर एक चीज़ में सेल्फ डिपेंड हो जाए। अब वो जो है अगले हफ्ते फ्रांस से भी जो है, ठीक है, 24 से 30 बैरी जो जंगी जहाज़ है वो लेने का जो माहदे पर दस्तखत करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं वो हर एक चीज़ पे ग्रिप अपनी कमांड करते रहेंगे, अगर वो इस तरह से वो लेते हैं तो क्या कहते हैं वो इसमें भी पावरफुल हो जाएंगे? ज़ाहिर है इसके लिए मेन चीज़ तो ये है कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसमें गैप है मेनली, तो ठीक है, क्यों उनकी खारजा पॉलिसी देखें, वो दिन ब दिन मतलब एक डोमिनेंट कंट्री की और एक नेशन मतलब वो डिवेल्प हो रहे हैं। हमारे पास ये बहुत बड़ा गैप है उसके, क्योंकि ना तो एक कंसिस्टेंसी है हमारी पॉलिटिक्स में, जो सबसे बड़ी वजह है ये। अगर हमारी को खारजा पॉलिसी 5 से 10 साल होगी इंप्लीमेंट होगी, उसके बाद ही हम देख सकते हैं कि ये मतलब हम खुद को किस जगह लेके जा सकते हैं। ये हर 2-3 साल बाद तो इनकी टांगे खींच देते हैं, बेशक वो मतलब जो भी खींचने वाले हैं, जिसकी वजह से मैं तो ये समझता हूँ सबसे हमारी ये जो खारजा पॉलिसी की वजह से हम अकेले रहते जा रहे हैं। जिस तरह देखें ना हमारी ये करंट जो हैं वज़ीर ख़ारजा हैं मतलब बिलावल भुट्टो, उन्होंने वो जहाज़ के चक्कर लगा लगा के अमेरिका के, मतलब मेरा ख्याल है कि वो तेल पहले ही हमारे पास काम में है, तो उन्होंने तो उन्होंने चक्कर वहाँ जाया, कोई फ़ायदा भी नहीं, फ़ायदा भी नहीं हो रहा। देखें मतलब बिल्कुल ही उन्होंने एक जो शो हो रही थी कि हमारी खारजा पॉलिसी इस तरफ जा रही है, उसे बिल्कुल उसके अपोजिट जाना पड़ा। हम दूसरे मतलब ज़ाहिर है चाइना या रशिया के जो है ब्लॉक, उसमें उनके साथ काम कर रहे हैं। जो एट द एंड इन्हें मतलब जो खान साहब का कह रहे थे कि रशिया से हम मतलब एग्रीमेंट करें अगर अमेरिका में घास नहीं डालता, ये पता नहीं अब किसकी मजबूरी है, ये हमारे इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है या पॉलिटिक्स में मतलब पॉलिटिशियंस की है कि हम उनकी तरफ ही देखते हैं हमेशा, और वहाँ से हमें हमेशा ही जो है ना लाल झंडी दिखाई जाती है। तो आप क्या कहते हैं इस तरह से जो है इंडिया फ्रांस के मुआहदा होने जा रहे हैं, तो दोनों के लिए किस तरह बेनिफिट है? वो लेंगे वो तो पावर बनते जाएंगे, तो फिर सारे लोग उन पर डिपेंड है, ऐसा हर एक चीज़ के लिए हम फिर हम सारे मुल्क पर डिपेंड होना पड़ेगा, हर चीज़ वो ग्रिप करते जा रहे हैं। ज़ाहिर है ये एक मतलब आप देखें ना वो दिन ब दिन वो हमसे, हालांकि हम उसे शुरू से अपना मुखालिफ समझते हैं, हरीफ समझते हैं एक, लेकिन वो दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। जितनी भी मतलब टेक्नोलॉजी है वहाँ पे लोग डेवलप शिफ्ट हो रही है,
ये कोई शक नहीं है कि वो एक बहुत बड़ी मतलब मार्केट है, मतलब बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन। वैसे भी हो सकता है फ्रांस जो है वो जब उनसे कनेक्ट होगा तो जाहिर पता उनकी भी ऑटोमेटिकली जो है मार्केट जाहिर है उसकी सबसे मेन वजह ये है ना, वहाँ पे एक बड़ी मार्केट है, लोग ज्यादा हैं, हर कोई अपना फायदा देखता है, वो मतलब उसी हिसाब से भी देख रहे होंगे। ये सारी चीज़ें हैं मतलब मेरे ख्याल से कि वो जाहिर है मजबूत तो हो रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारा देखें जो भी मामला है दफाई बजट या दूसरी चीज़ें हैं तो उनको देखना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम मतलब इस खित्ते में रह के एक अपनी वर्थ रखें तो जाहिर है हमें उसके मुताबिक अपनी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उसके मुताबिक लेके चलना पड़ेगा चीज़ों को। बेसिकली मैडम हमारे पास टेक्नोलॉजी की मेरा हल कमी है और उसके बाद रिसोर्सेज की भी कमी है, इसलिए हम खुद तो बना नहीं सकते। तो अगर हमें दुनिया को कम्पीट करना है तो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें बाहर से ही लाने पड़ेंगे। तो ये है कि अगर हम बाहर से भी मंगवाते हैं तो अक्सर तो डिफ्यूज़ ही हो जाता है कि नहीं हमने नहीं देने, वो ये है कि इनकी निगलेक्सी की वजह से जो भी डाउनफॉल जा रहे हैं उस वजह से भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया जो है अब अगले हफ्ते में वो कह रहे हैं कि 24 से 30 फ्रांस से जो है बहरी तैयारों पर दस्तखत अनजाने माहदे पर, तो क्या कहते हैं दोनों के लिए किस तरह बेनिफिट है? जब फ्रांस उनसे कनेक्ट हो जाएगा ठीक है, उनकी इकोनॉमी के लिए भी बेहतर है या उनकी मार्केट के लिए भी, दोनों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके क्या फ़ायदा होगा? अभी अगर आप करंट सिचुएशन देखें तो जैसे चाइना था वो ग्रो कर रहा था एशिया में, तो अब अमेरिका की चाइना से नहीं बन रही, तो अमेरिका चाह रहा है कि हम इंडिया को सपोर्ट करें, उसको ऊपर लेके आएं, इसलिए अब अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। जैसे अभी रिसेंटली बेशुमार इन्वेस्टमेंट आई है और भी जितनी बड़ी कंपनियाँ उन्होंने अपने प्लांट वगैरह चाइना से इंडिया में ट्रांसफ़र किए हैं, इसी वजह से कि जब जैसे वो चाइना अभी रिसेंटली मोदी यूएसए का विज़िट करके आया है, इसकी वजह से उनके मामलात या उनकी अंडरस्टैंडिंग आपस में हो गई है। अब जितनी इन्वेस्टमेंट होनी है या जितना वर्क होना है, अब उनकी उनका ये है इंटेंशन कि हम चाइना के बजाय इंडिया को सपोर्ट करें और इंडिया को ऊपर लेके आएँ। और इस जैसे ये अभी हो जाएगा तो इंडिया जाहिर सी बात है पहले भी उसके रिसोर्स हमसे बेशुमार ज़्यादा हैं, तो इससे और वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसकी जैसे पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को वर्क मिलेगा, इससे ऑटोमेटिक उनका मुल्क ऊपर जाएगा। ज़बरदस्त बात है। तो ऐसा है कि इंडिया जो है हर चीज़ में सेल्फ डिपेंड होता जा रहा है। आप देखें उन्होंने ड्रोन्स भी काफ़ी पिछले दिनों जो है काफ़ी ड्रोन्स भी उन्होंने लिए हैं और बड़े अच्छे तरीके से जो है उनके साथ यूएस के साथ ताल्लुकात अपने जारी पता वो भी कनेक्ट रहेंगे, अब फ्रांस के साथ करें वो भी कनेक्ट रहेंगे। क्या कहते हैं हमें भी जो है इस तरह के माहदे या कोई इस तरह की बातचीत नहीं करनी चाहिए ताकि हमारे भी हर एक से ताल्लुकात जो है बेहतर रहें, फिर हम ऐसा होगा कि इंडिया से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है? वो तो यही कहते हैं कि अगर इंडिया की तरक्की तो पूरी दुनिया की तरक्की है, तो अभी तो वो पीक पे है, तो क्या कहते हैं हमें उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? अभी अगर आप रिसेंटली देखें तो हमारा जो वज़ीर ख़ारजा है उसकी आप प्रोग्रेस देख लें या उसकी क्या अचीवमेंट है, वो तो बस उसके वालिद ने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। आप इंडिया के वज़ीर ख़ारजा की बात सुन लें या उसकी स्टेटमेंट सुनें या उसका आईक्यू लेवल चेक करें तो आपको आइडिया होगा कि वो क्या चीज़ है। तो ये चीज़ें इस तरह अफेक्ट करती हैं हमारे, तो ये बेसिकली सिफारिश सिस्टम हो गया कि वालिद ने बेटे को ऊपर प्रमोट कर दिया है, तो ये चीज़ें फिर इस तरह नहीं होती। जब आप मेरिट पर आएँगे, चीज़ें मेरिट पर आएँगे तो आपके पास ये नहीं कि आपके पास लोग नहीं है काबिल, हमारे पास लोग काबिल हैं, उनको बेसिकली वो स्पेस नहीं देते। अगर आप स्पेस देंगे तो चीज़ों ऑटोमेटिक बेहतर होंगी। आप इंडिया की अगर पॉलिसी वगैरह देखें, खारजा पॉलिसी या उनका देख लें, उनके कोई किसी से लड़ाई नहीं है, वो तो बेसिकली अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। अपनी कंट्री में अगर आप मोदी को देख लें, वो कितना पड़ा हुआ है, वो 0% में पड़ा हुआ, पर उसके दौर में जितनी अब इंडिया में प्रोग्रेस हुई है मेरा ख्याल किसी दौर में नहीं हुई, और वो अब रिसेंटली जो और पॉलिसियाँ बना रहा है और वर्क कर रहा है उससे ऑटोमेटिक इंडिया मतलब चाइना को तो नहीं कम्पीट कर पाएगा, चाइना काफ़ी आगे चला गया, पर फिर भी अगर दूसरा नंबर आएगा एशिया में तो मेरा ख्याल से इंडिया का आएगा करंटली। जाहिर सी बात मैम आपको पता है पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन चल रही है वो यही है कि लो जा रही है, ऊपर से जो दहशतगर्दी के इल्ज़ाम हैं हमारे मुल्क पे बहुत ज़्यादा हैं वो, ठीक है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हम लोगों के पे हर मुल्क नहीं ट्रस्ट कर सकता, मोस्टली जो है हम लोगों के वीज़ाज़ रिजेक्ट हो रहे हैं काफ़ी सारे हमारे मुल्क के, ठीक है, इसी वजह से रिजेक्शन आ रही है कि आप लोग जो है हम लोग जो हैं इन चीज़ों से ही नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह। अगर हम बात करते हैं कि देखिए पिछले दिनों जो है यूएस इंडिया से बड़े अच्छे कनेक्ट मतलब उनके ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हैं, तो इंडिया ने उनसे ड्रोन्स वेपन्स बड़े मिलियंस के हिसाब से आपने उनके देखा होगा लिए हैं और बड़े स्मार्ट लिए हैं और बड़े अच्छे, तो इंडिया जो उस सेक्टर में भी जो है सेल्फ डिपेंड हो गया। अगर हम बहरी जहाज़ की बात बहरी जंगी जहाज़ की बात करते हैं, वो कह रहे हैं नेक्स्ट वीक जो है वो फ्रांस से जो है 30 से 40 मतलब ऑलमोस्ट 30-24 इस तरह से जो अराउंड उनसे दस्तखत करने जा रहे हैं, उनके साथ मुआहदा करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं ये फ्रांस के लिए कैसे बेनिफिट और इंडिया के लिए कैसे बेनिफिट?
मैम फ्रांस के लिए इस तरह बेनिफिट है कि फ्रांस जो है इंडिया को यूज़ करके अपने वेपन्स जो है ना सेल आउट कर लेगा, और इंडिया के लिए बेनिफिट है कि उसके पास नई टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी। अच्छा ठीक है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी के हिसाब से वैसे भी अगर हम देखें इंडिया बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे जाता जा रहा है, वो बेसिकली सेल्फ डिपेंड होना चाहता है, तो इससे भी वो हम मतलब सेल्फ डिपेंड ऐसा ऐसा हो जाएगा, फिर उन्हों पर निसार किया जाएगा। पहले तो हम यूएस को कहते थे, क्या कहते हैं आप कमिंग इंडिया को भी कहेंगे हम? जाहिर सी बात है, वेपन्स का जो होल्डर है जी, वेपन क्या पता थोड़े अरसे में इंडिया में भी, इंडिया हम लोगों को सप्लाई दे रहा हूँ इन चीज़ों की। बिल्कुल, तो क्या कहते हैं हमें भी इंडिया से थोड़े ताल्लुकात बेहतर नहीं करने चाहिए, चाहे हम किसी भी इंडस्ट्री से बेहतर करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग इंडिया से बेहतर नहीं करना चाहते, हमारे भी जो सिटीजन हैं ठीक है वो भी जाहिर सी बात है बहुत सारे माइग्रेटेड हैं, इंडिया से ही आए हुए हम लोग भी, मोस्टली लोग इंडिया से ही आए हुए, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की एक जो पुरानी चलती आ रही है जंग 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 बस उसी के हिसाब से चलते वो कौन सी कश्मीर जो बीच में कश्मीर बीच में आ रहा है, कश्मीर उनका भी आला चले बीच में, वो दोनों एक भी दोनों का एक है ना, लेकिन वो अपनी तरक्की कामयाबी तो नहीं ना रोक रहे, आप देख लें वो सेल्फ डिपेंड होते जा। यही बात है, वो लोग यही चाहते हैं कि हम लोग जो है कम दिखें और वो लोग ज़्यादा अच्छे दिखें, इन चीज़ों को मद्देनजर रख के जो है इस तरह मामला जो है ना सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो क्या कहते हैं हमें आगे वाले आने वाले दिनों में जो है हम कुछ बेहतर की तरफ जाते हुए लग रहे हैं, अगर हम इंडिया से चलें वेपन्स के हवाले से कोई बातचीत कर लें, अगर यूएस नहीं देता चले अगर हम उनसे कम्युनिकेट कर लेते हैं, अगर उनके साथ कोई मुहादा वगैरह हो सकता है तो ये दोनों के लिए बेनिफिट होगा, इस टाइम इंडिया टॉप पे, इंडिया जाहिर सी बात है बेनिफिट्स होंगे, हम लोग को मुआयदा कर लेना चाहिए अगर होता है कोई मुआयदा ऐसा तो। बिल्कुल इस तरह, तो क्या कहते हैं हमें यहाँ पर जो डिफॉल्ट्स कर रहे हैं, सबसे मेन आपको क्या लग रहा है, हुकूमत की स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी लग रही है या इदारे से इतना काम नहीं करे कि आवाम का इशू है? हम सारों का इशू है, आवाम का भी इशू है, आवाम भी नहीं स्टेबल हो पा रही है क्योंकि गवर्नमेंट जो है इस तरह की जा रही है कि खाना जंगी चल रही है हमारे मुल्क के अंदर, कभी जो इमरान खान की वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी नवाज शरीफ की वजह से जंगी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इन फसादों से जब तक नहीं निकलेंगे तब तक हम मुल्क को तरक्की की तरफ किस तरह ले जा सकते हैं? बिल्कुल सही है, देखिए ना अब इंडिया भी तो कितने मुहिदे दस्तखत करता है, आए दिन सुना है कि वो यूएस चले गए फ्रांस चले गए, इस तरह से दस्तखत हो रहे हैं, हम हमेशा तरक्की की ही बात सुनते हैं, तो क्या कहते हैं आने वाले दिनों में आप उनको क्या देखते हैं? वैसे भी वो 2-3 नंबर पर हर एक लिहाज से तो नंबर 1 पर आ सकता है नो डाउट, जिस तरह से उनकी मेहनत है, मेहनत तो वो करते हैं जी, आ सकता क्यों नहीं आ सकता, तो हम भी उनको देख के कुछ सीख सक नहीं सकते इतना कोई बात नहीं, किसी से सीखने तो इंडिया को ही सीखना है, इंडिया से ही सीखना है तो फिर हम लोग अमेरिका को क्यों नहीं देखते? हाँ, मतलब ये कि दोनों ऑलमोस्ट तरक्की के लिहाज से जो जिस तरह से वो लोग डेवलपमेंट ला रहे हैं ठीक है, अपने मुल्क के साथ वफादार हुए हैं ठीक है, उस तरह हम लोगों को भी अपने मुल्क के साथ वफादार होना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन हम आवाम की तरफ गए, उनसे बात की तो उनको पूछा उनसे कि इस तरह जो है इंडिया 30 से 24 जो है बहरी जो बहरी जंगी जहाज़ हैं वो फ्रांस से जो है इस तरह डीलिंग करने जा रहा है, तो उनका क्या कहना है इस बारे में करें? तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये फ्रांस के लिए भी उतना ही ज़बरदस्त है जितना इंडिया के लिए है, इस तरह से जो अगर हम अपनी बात करें यहाँ पर जो है जिस तरह हमें कहा गया है कि हम आतंकवादी हैं, इस तरह से हमारा डेवलप जो ट्रस्ट डेवलप है वो इस तरह से भी ख़त्म हुआ है कि अगर हमारे साथ कोई हम जंगी जहाज़ की या इस तरह की कोई बात वेपन्स की करते हैं तो हमारा बिल्कुल सीधा डाउट जो है उस पर जाता है कि हम आतंकवादी हैं, गलत मिसयूज़ ना हो, लेकिन हमारी हुकूमत की अनस्टेबिलिटी भी है और कुछ ऐसे मामलात हैं कि हमारे इन्वेस्टर्स भी इधर नहीं आ रहे, आपस में सब कुछ जो है मिक्स हुआ हुआ है, इंडिया इस टाइम टॉप पर है तो ज़ाहिर पता है हर एक चीज़ में वो ग्रिप बनाना चाह रहा है, तो इसलिए वो ऐसे मुआहदे कर रहा है और हमें भी ऐसे मुआहदे करने चाहिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।